आज की आप तो कृपया अपना माइक म्यूट कर लीजिए। क्या मित्र पूरे जितने भी लोग हैं प्लीज। क्या मित्र नॉट ऑडिबल प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। आज तो की आवाज नहीं आ रही है सर। मेरी आवाज नहीं आ रही? अब क्लियर है मेरी आवाज? झा साहब आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? रुकिए मैं सुन रहा हूँ सर। ओके ओके ठीक है। तो अब समय का ध्यान रखते हुए आप सभी का आज के इस परिचर्चा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कृपया अपना माइक म्यूट रखें। मुझे बार बार कहना पड़ रहा है कि थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखें आप लोग। प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि ऑनलाइन चीजों की अपनी एक मर्यादा होती है। टेक्नोलॉजी अपनी एक मर्यादा के साथ ही प्रभावी हो पाएगी, अन्यथा ये विषय जितना गहरा और जितना हम उसका उतना लाभ नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए मेरा पुनः आग्रह है जितने भी स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं या बाकी लोग, थोड़ा सा इस मर्यादा का ध्यान रखें कि हम उस मर्यादा का उल्लंघन ना करें। अपने समय पर हम अपनी बात सभी के साथ साझा करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात है मिस्टर गोलू, आप बार बार जो है वो माइक अनम्यूट कर देते हैं, थोड़ा ध्यान रखिए आप। तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज मनुष्यता को पता लगा कि आज के दिन से जो है हमारे मानवाधिकार होंगे और यूएनओ की तरफ से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये दिन जो है वो घोषित किया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन राइट्स। सर आवाज नहीं आ रही है। सर बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं आ रही सर। सर आपके पास प्रॉब्लम है गुप्ता जी, हम लोग ठीक आवाज हम लोग सुन पा रहे हैं। गुप्ता जी आप दोबारा एक बार जुड़ जाइए, अपने को डिस्कनेक्ट करके दोबारा आप जुड़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। रिकनेक्ट हो जाइए प्लीज। तो आज का दिन जैसे कि मैं आप लोगों से पहले ही कह रहा था कि यूएनओ के द्वारा घोषित है और यूएनओ एक ऐसी संस्था है जो दो विश्व युद्धों के बाद मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए और अधिकारों में जिसमें कि उसकी जिसे हम कहेंगे मानवता का जो गौरव है उसकी रक्षा को ध्यान में रखते हुए इन मानवाधिकारों का रचना और निर्माण किया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मानवाधिकार जो हमारे सामने उभर कर आ रहे हैं, जिनके बारे में मैं अभी आप लोगों के साथ अगले 10 मिनट में बातचीत करूंगा और उसके बाद हम इसको ओपन हाउस डिस्कशन के तौर पे लेंगे, और वो इसलिए लेंगे डिस्कशन के रूप में, चर्चा के रूप में। आवाज नहीं आ रही है सर। सर बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। सर आप दोबारा जुड़िए। डॉक्टर साहब आपको दोबारा जुड़ना पड़ेगा। चलिए मैं डॉक्टर गुप्ता जी आप दोबारा एक बार जुड़ जाएंगे तो सुविधा रहेगी। तो आज की ये जो विशेष रूप से चर्चा है वो हमने इसलिए रखी है कि दो विश्व युद्धों के पश्चात हम लोगों ने इन मानवाधिकारों का यूएनओ के माध्यम से निर्माण किया और उसको सभी देशों पर लागू करने का प्रयास किया है। सब जगह अपनी अपनी तरह की सरकारें हैं, अपने अपने दृष्टिकोण हैं लोगों के, समाजों के। तो ये मानवाधिकार कितने प्रभावी और किस रूप में
इन अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है वो एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन हम लोग जिस विषय पे चर्चा करने के लिए विशेष रूप से आज तत्पर हैं वो है कि क्या हम अपने संदर्भों में, भारतीय संदर्भों में मानवाधिकारों की कोई बात कर सकते हैं कोई या नहीं। सामान्य रूप से जितने भी फंक्शंस होंगे, जितने भी आयोजन आज के दिन किए जाएंगे, वो यूएनओ के मानवाधिकारों के बारे में बात होगी या फिर भारतीय जो संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं उनके संदर्भों में आज के दिन चर्चा होगी। लेकिन मुश्किल ये हो जाती है कि जो अधिकार, जिन मानवाधिकारों के नाम पर जिन 30 आर्टिकल्स की बात होती है, वो सारे के सारे इस रूप में बन करके हमारे सामने आए हैं जिनका संस्कृति से सीधा सीधा कोई संबंध नहीं होता, आपकी जीवन शैली से उनका कोई संबंध नहीं होता, आपके मानवाधिकारों का प्रारूप और समझ और आपका व्यवहार कुछ और तरह का ही होता है। और उसमें भी सबसे बड़ी दिक्कत, एक कठिनाई तब आती है जब कोई भी धर्म में विश्वास करने वाला व्यक्ति सारी दुनिया को दो भागों में बांट लेता है, एक वो जो उसमें विश्वास करते हैं और दूसरे वो जो उसमें अविश्वास नहीं करते। तो वहां मानवाधिकारों की जो चुनौतियां हैं वो कुछ अलग हो जाती हैं। तो बहुत सारे पक्ष हैं इन मानवाधिकारों को लेकर के जो यूएनओ के द्वारा 30 आर्टिकल्स में हम सबको दिए गए हैं, उन पे हम समझने की कोशिश भी करेंगे और उन पे चर्चा भी करेंगे। लेकिन इससे पूर्व कि मैं अपनी बातचीत आरंभ करूं, मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर चंद्रकांत झा जी को, जो कि संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं एमपीएन कॉलेज मुलाना में, कि वो हमारे साथ जुड़े हुए सभी लोगों का और हमारे जो विद्वान वक्ता हैं और जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उन सब का वो स्वागत करें। डॉक्टर संजीत बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं आज के इस मानवाधिकार दिवस के अवसर पर आज जो ये वक्तव्य या चर्चा के संदर्भ में हम लोग एकत्रित हुए हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि ये जो संस्कृत शास्त्रीय भारतीय मानवाधिकार के प्रारूप की जो मान्यता हम लोग करेंगे, तो हम जहां तक हम लोग समझते हैं कि ये जो मानवाधिकार है पश्चात के लोगों के लिए अलग ढंग से अलग व्यवहार का स्वरूप हो जाता है, और भारतीय परंपरा में भी जो आधुनिक है और उसको हम अगर वैदिक संदर्भ में लें तो हम किस प्रकार से उसको हम कर्तव्य पर आधारित जो अधिकार है, जब तक हम देखिए अधिकार सामाजिक जीवन को की अनिवार्य आवश्यकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन समस्याएं तब आती है जब अधिकार को कर्तव्य से अलग रूप में, कर्तव्य की बात किए बिना जब हम अधिकार की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो चीजें हैं उस सही लक्ष्य को हम प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं जब तक कि हम कर्तव्य पर आधारित अधिकार की चर्चा न करें। और इस संदर्भ में आपका जो ये जो आज जो संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, तो मुझे लगता है कि संगोष्ठी से निश्चित रूप से हम एक निश्चित प्रारूप को कर पाएंगे, उसको हम देख पाएंगे। और इसके लिए मुझे और खुशी होती है कि आज हमारे बीच में अविनाश श्रीवास्तव जी, आर के गुप्ता जी, डॉक्टर विशाल जी, डॉक्टर नीरज जी और कुछ हमारे कॉलेज के भी पीजी के स्टूडेंट्स भी जुड़ रहे हैं और दूसरे अन्यत्र जगह के अनेक हमारे साथी इस प्रकार के कार्यक्रम में सहभागिता दे रहे हैं। तो हमने अपने महाविद्यालय एमपीएन कॉलेज मुलाना की ओर से, आरके जी कैथल की ओर से, इसके बाद में संस्कृत कॉलेज अम्बाला कैंट, एसडी महाविद्यालय अम्बाला कैंट और इस संपूर्ण प्रारूप के मूल संयोजक डॉक्टर आशुतोष जी सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र हैं, अभिवादन के पात्र हैं। मैं आप सबको हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप लोग इस प्रकार के मीमांसा में आप सब इकट्ठे हुए हैं और निश्चित रूप से सारगर्भित चर्चा हम लोग करेंगे। उम्मीद करता हूं कि हम सब मिल करके एक भारतीय जो हमारे संस्कृत
संस्कृत शास्त्रीय दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर भारतीय मानवाधिकार की जब हम चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से हम सर्वांगीण रूप से उस अधिकार के बारे में सोच पाएंगे, जान पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सी के झा जी। हम सीधे अब विषय की ओर अग्रसर होते हैं ताकि समय भी बचे और चर्चा के लिए अधिकतम समय हमें उपलब्ध हो सके। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो तरह की भाषाओं का जिक्र किया गया है। एक वो है जो व्यापार ट्रेड के ऊपर आश्रित है, व्यापार उद्योग के आधारित जो है भाषा, दर्शन और संस्कृति, और दूसरी तरफ कृषि आधारित भाषा, दर्शन और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हम मानवाधिकारों की बात को समझने का प्रयास करेंगे। आपके पास जो मानवाधिकार, जिनकी मैं पहले भी बात कर रहा था, वो सारे के सारे मानवाधिकार उद्योग व्यापार की भाषा, दर्शन और संस्कृति से उभर कर आ रहे हैं। लेकिन जब हम भारतीय संदर्भ में बात करते हैं, जैसे कि आप एक्स एक्सिस पे देख सकते हैं कृषि आधारित भाषा, दर्शन और संस्कृति, उसमें से दो वाक्य मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं और उनकी तुलना आप यूएनओ के 30 आर्टिकल्स के साथ जरूर करें, और आगे भी जैसे जैसे हम देखेंगे तो उसमें आप ये बातें तुलनात्मक दृष्टि से भी देख पाएंगे, तो आप लोगों के लिए ये चीज बड़ी रुचिकर रहेगी। पहला वाक्य है यांश्च पश्यामि यांश्च न तेषु मां सुमतिं कृधि, कि जिनको मैं देखता हूं जिनको मैं नहीं भी देखता उन सब की रक्षा मेरी सुमति करे, मेरी बुद्धि करे, सद्बुद्धि करे। ये ऋग्वेद का मंत्र है 17:1-7 का। और दूसरा उससे भी बेहतर जो वाक्य है, जो आदर्श वाक्य मैं कहता हूं मानवाधिकार का, और शायद वहां से मानवाधिकार की संस्कृति शुरू होती है कि हम कानून से उठ करके संस्कृति के स्तर पे चले जाएं, वो है पुमान पुमानसम परिपातु विश्वता। ये भी ऋग्वेद का मंत्र है 9वें मंडल का जो है 65वें सूक्त का 14वां मंत्र, कि हर मनुष्य जो है दूसरे मनुष्य की स्वयं रक्षा करे। अब ये संस्कृति विकसित क्या आपको लगता है कि मानवाधिकारों के 30 आर्टिकल्स के द्वारा कभी संभव होगी? यहाँ पर सरकारें जो हैं वो पॉलिटिक्स ही नहीं, बिजनेस और ट्रेड से चला करती हैं, प्रॉफिट और जो नुकसान है उनको ध्यान में रखते हुए आप अपनी पॉलिसीज जब डिसाइड करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत प्रकार की बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि आज हम सबको ये 5 प्रश्न जो आप लोगों के साथ हमने पहले भी सांझे किए थे उनको आप ध्यान में रखेंगे तो हमें बातचीत करने में सुविधा होगी। सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें से प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि हम किस प्रकार भारतीय शिक्षाविद और जो बुद्धिजीवी हैं उनके पास अपने परिवेश और यथार्थ के अनुकूल मानवाधिकार संबंधी कोई शब्द या अवधारणा है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, केवल 2 ही प्रश्न पढ़ रहा हूं, बाकी तो आपने पढ़े ही होंगे, क्या भारत के इतिहास में मानवाधिकार संबंधी कोई तथ्य, घटना, स्थिति ऐसी रही जिसे हम विश्व समुदाय के सामने निर्भीक रूप से प्रस्तुत करने में गर्व अनुभव कर सकें? ये 2 बड़े मूलभूत प्रश्न हैं, क्योंकि जब भी हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जब भी इस तरह की बातें करते हैं तो हम कभी भी भारतीय संदर्भ नहीं देते, हमारे सारे के सारे संदर्भ या तो रेवोल्यूशन को लेकर के होते हैं या ग्रीक को लेकर के होते हैं। इस तरह से हम अपना काम चला रहे हैं सोशल साइंसेस में, तो निश्चित रूप से सोशल साइंसेस के लोगों को पुनः विचार करने की आवश्यकता है कि भारतीय संदर्भों को भी वो देखें, टटोलें और उसको सामने रखें। केवल आक्षेप करके और आधा अधूरा पढ़ा हुआ जो है वो हमें किसी विशेष प्रकार के मनुष्य के रूप में हमारी संवेदनशीलता को नहीं बनाता, तो इस बात का हम ध्यान रखें। तो बाकी प्रश्न आप पढ़ रहे हैं और आगे की स्लाइड्स में भी आप लोग स्लाइड्स को देख लीजिए साथ साथ, ताकि समय बच सके और हम चर्चा के ऊपर ज्यादा समय दे सकें। तो निश्चित रूप से आखिरी जो प्रश्न इसमें है कि जो इंडियन इंटेलेक्चुअलिज्म है उसका विश्व स्तर पे मानवाधिकार के क्षेत्र में क्या माननीय योगदान है, या वो
आतंकवादियों के मानवाधिकार होते हैं और सेना के मानवाधिकार नहीं होते, इस तरह की ही अगर हमने बुद्धिजीविता को देखा है और अखबारों में इस तरह की बुद्धिजीविता ही छपी है, तो उसको हमें चुनौती देनी ही चाहिए। चलिए इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए दो बातें और भी ध्यान में रख लें कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जब आप राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और ये सारे फंडामेंटल राइट्स देखते हैं, तो दूसरी तरफ वाई एक्सिस पर आप ह्यूमन राइट्स में इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, सिविल राइट्स की बात करते हैं, जो विशुद्ध रूप से हम फ्रेंच रेवोल्यूशन और वर्ल्ड वॉर्स और इन सब रेवोल्यूशन से वगैरह से लेकर के आए हैं। लेकिन हम भारतीय लोग दो तरह की बातों से, दो तरह की आइडियोलॉजी से गवर्न होते हैं, वो हमें प्रभावित करती हैं। एक वो जो पॉलिटिकल आइडल हैं, जो कि प्रीएम्बल में सेट किए गए हैं, प्रीएम्बल में निश्चित किए गए हैं, जो कि लाइफ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ दूसरी ओर जो हमारा सामाजिक व्यवहार है, सामाजिक जो हमारे पूर्वाग्रह हैं, जिसमें कि हम धर्म को संप्रदाय जिसे कहना चाहिए, रिलीजन शब्द जो है वो संप्रदाय वाचक है, संप्रदायों के आधार पर जो है वो हम उन अधिकारों को खंडित कर देते हैं, वो पूर्वाग्रहों और संप्रदायिकता के आधार पर हम उन अधिकारों को दूसरों को देने के लिए तत्पर नहीं होते। तो इस तरह एक तरफ संविधान और दूसरी तरफ आप लोगों की संप्रदायिकता, इनके बीच में जो पूर्वाग्रह रहते हैं उसमें एक संघर्ष चलता रहता है। तो वो अगर हम भारतीय संदर्भ में ही विचार कर लें तो मुझे लगता है वो सारी की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। अब इसका एक व्यापक दृष्टिकोण भी देख लें, जिसे हम कह सकते हैं कि हम वैश्विक दृष्टिकोण। तो दो समस्याएं मनुष्य के सामने हैं, संपूर्ण मनुष्यता के सामने। एक है गुडनेस की कमी, बहुत ज्यादा कमी है इस संसार में, और दूसरी तरफ है कि उस गुडनेस को किस तरह से सिस्टमेटाइज करके उसको स्ट्रेटजी के रूप में लाया जाए, यानी कि शुभता की कमी और शुभता को व्यवस्थित कर प्रभावी बनाने की नीति जो है उसकी बहुत बड़ी समस्या है। मैं इसकी व्याख्या में नहीं जा रहा, लेकिन इस बात को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा कि हमारे भारतीय संदर्भ क्या है। शेष जो है आप स्लाइड्स पढ़ते जाइए साथ साथ में, तो उससे सुविधा हो जाएगी, समय भी बचेगा और बाकी बातें भी हो जाएंगी। एक आक्षेप जो मैं संस्कृत शास्त्रों की ओर से जरूर लगाना चाहता हूं कि ये जो रेवोल्यूशन की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, वो क्रांति का, उन क्रांतियों को अगर आप कभी भी देखें तो वहां क्या हुआ है, उन क्रांतियों का परिणाम केवल मात्र इतना हुआ है कि राज परिवारों से जो सत्ता थी वो निकलकर व्यापारी वर्ग के हाथ में चली गई। केवल सत्ता का हस्तांतरण हुआ, उससे कोई हित हो गया हो ऐसा कुछ नहीं हुआ, उससे कोई मनुष्य बदल गया है ऐसा नहीं है। आज भी कोई शोषण रुक गया हो कि अफ्रीकन कंट्रीज का या दूसरे कंट्रीज का, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। तो क्रांतियों के ये जो एक भ्रामकता हमने पाल दी है, एक नरेटिव डिजाइन कर लिया है कि जो रेवोल्यूशन है, और जैसा कि आक्षेप भी करते हैं ये जो कई इंटेलेक्चुअल्स कि भी भारत में क्रांतियां नहीं हो सकती, ये बड़ी अच्छी बात है कि भारत में क्रांतियां नहीं हो सकती, क्योंकि इस तरह की स्थितियां वेस्ट वाली हमारे यहाँ कभी रही ही नहीं। तो इसलिए कि राज परिवारों से आप व्यापारी वर्ग की ओर सत्ता का हस्तांतरण करके उसको आप क्रांति का नाम दें और उसके ऊपर जामा पहना दें कि ये हमने लोगों के लिए कर दिया, तो ये भ्रम, मुझे लगता है कि अब समय है कि इस भ्रम को चुनौती दी जाए और उसको तोड़ा जाए, क्योंकि ये क्रांतियां न न्याय के लिए थी न समानता के लिए। आप सभी जानते हैं कि स्त्रियों के जो अधिकार हैं, वोटिंग राइट्स ही वेस्ट में तो बहुत बाद में आकर के दिए गए हैं, और आज के दिन में भी वेस्ट में स्त्रियों की समान सैलरीज नहीं है। अगर ये किसी के गले ना उतरती हो तो वो मुझे जरूर बताए कि अभी भी बहुत सारे ऐसी नौकरियां हैं जहां पर स्त्रियों को पुरुषों के बराबर तनख्वाहें नहीं मिलती। तो इसलिए निश्चित रूप से हमें भारतीय संदर्भों में विचार करना चाहिए, अपनी परंपरा से ढूंढने की कोशिश करें कि हमारे पास क्या क्या ऐसे अधिकारों की विषय, अधिकारों के सामग्री उपलब्ध है जिसे हम प्रस्तुत करें और उसको स्थापित करें, और तदनुकूल जो है हम इस समाज को, इस समाज में जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए, रूपांतरण लेकर आए। परिवर्तन ही नहीं लाना है, उस परिवर्तन का रूपांतरण करना बहुत आवश्यक है।
चलिए ये एक मैं मानवाधिकार का आप लोगों को जरा नजारा दिखा देता हूं, जब वर्ल्ड वॉर हुआ था और ये मानवाधिकार कितने खून से सने हुए हैं इसका अंदाजा आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये मानवाधिकार 60 लाख यहूदियों को जो है उनकी हत्याओं के बाद ये जाकर के मानवाधिकार की बात करने लगे हैं, क्योंकि तब अपने आप पे शर्म आने लगी जब मनुष्यता को, तब उनको लगा कि हमें मानवाधिकारों की बात करनी चाहिए, उसको स्थापित करना चाहिए। और ये चीजें आप देख सकते हैं, मैं बहुत जल्दी से इन स्लाइड्स में से निकाल रहा हूँ, आप लोगों को कमेंट्स नहीं कर रहा, लेकिन निवेदन करूंगा कि आप लोग इस मानवाधिकार की पृष्ठभूमि को जरूर देखें कि कितनी बीमार मानसिकता से, कितनी खूनी मानसिकता से आप निकल के आ रहे हैं और उन मानवाधिकारों की बात कर रहे हैं जिसमें 6 मिलियन ज्यूज, 20 मिलियन रशियंस, 10 मिलियन क्रिश्चियंस मर्डर्ड, स्लॉटर्ड, रेप, बर्नड एंड ह्यूमिलेटेड। और फिर हम बात करते हैं कि भाई हमने मानवाधिकार बना दिए, तो वो सांस्कृतिक मानवाधिकार तो कभी हो ही नहीं सकते, स्वस्थ मानवाधिकार हो ही नहीं सकते। तो ये मानवाधिकार की स्थिति है। और लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आप सबके जानने के लिए है, इन द वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिटिव बिजनेस एंड ट्रेड हु कैन गारंटी ह्यूमन राइट्स। आज भी आप, मैं कहता हूं आप आतंकवादियों को बंदूकें उनसे नहीं छीन सकते, ठीक है, लेकिन उनको गोलियां सप्लाई करनी तो बंद कर सकते हैं जिनके द्वारा वो आम आदमी की हत्याएं कर देते हैं, अत्याचार करते हैं, आतंक फैलाते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर रहे। तो इस तरह के ट्रेड और बिजनेस की एनवायरमेंट में आपको लगता है कि आप कभी ह्यूमन राइट्स को स्थापित कर पाएंगे या उस संस्कृति को विकसित कर पाएंगे? कानून की सीमा होती है, कानून सब कुछ नहीं कर सकता जो काम संस्कृति कर सकती है। तो इसलिए इस पृष्ठभूमि को समझते हुए हम अपनी भारतीय संस्कृति में जो शब्दावली है उसको थोड़ा ध्यान दे लें, उसके आधार पर आज हम चर्चा करें। लेकिन आप स्वतंत्र हैं अपनी अपनी बात कहने के लिए, जैसे जिस दृष्टि से आपको उचित लगे उस दृष्टि से आप अपनी बात हमारे साथ रख सकते हैं। आपके पास सामान्य रूप से पुरुषार्थ शब्द है, अर्थ, काम, मोक्ष, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, ये सारे शब्दावलियां हैं जिनके आधार पर आप अपना जो मानवाधिकार का प्रारूप बनाते हैं। मैं केवल ये मानवाधिकार का प्रारूप आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है तो आप संस्कृत के जो श्लोक हैं उनको छोड़ दीजिएगा, लेकिन बाकी चीजों को आप समझने की और पकड़ने की कोशिश करें। सबसे पहली बात जो मनुष्यता में आपको देखने को मिलेगी मानवाधिकारों में, भारतीय संदर्भ में और विशेष रूप से संस्कृत शास्त्रों के आधार पे, कि सभी मनुष्य चेतन ब्रह्म की अभिव्यक्ति हैं, ये एक्नॉलेज करते हैं। दूसरी बात कि उनका अस्तित्व, उनका होना, ये स्वीकार किया जाता है कि ब्रह्म की अभिव्यक्ति है इसलिए सब समान है और उनका अस्तित्व है इसलिए वो सम्मान के योग्य है। और सभी के सभी मनुष्य तीन प्रकार की ऐषणों, जिसमें पुत्र ऐषणा, संतान, धन और यश, सम्मान, ये इस आधार पर वो जीवन पर्यंत अपनी सार्थकता और सफलता की सिद्धि के लिए सभी राष्ट्रों समाजों द्वारा निश्चित एवं निर्बाध रूप से स्वीकृत अधिकार पाने की पात्रता रखते हैं। तो भारतीय, आप जब देखेंगे भारतीय शास्त्रों को तो आपको ये दिखाई देगा कि राज्य का ये दायित्व है कि सभी को समान स्वीकार करते हुए सभी के अधिकारों की वो रक्षा करें और सभी को जो उनकी मूल तीन ऐषणाएं हैं, संतान, धन और यश, इनका वो सम्मान करें और इसके लिए उनको अधिकृत करें। और राष्ट्रों के लिए भी इसमें निर्देश आ जाता है। ये जब मैं बातें आपको सुना रहा हूं तो मैं ये भी चाहूंगा कि जो 30 आर्टिकल्स हैं उन 30 आर्टिकल्स में से कोई ऐसा आर्टिकल आप बताएं जो इस प्रारूप में समाहित ना होता हो, कोई भी 30 आर्टिकल्स में, पहले से लेकर के 30वें आर्टिकल तक। अब ये पात्रता जो है, अधिकृतता जो है, वो राष्ट्र कैसे करेंगे? वो करेंगे सभी राष्ट्र निरपवाद रूप से सभी प्राणियों को समान रूप से वैसे ही धारण करते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते। कितनी क्लियर कट बात है, और वो मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, वो आपकी मनुस्मृति भी कह रही है, वो आपका ऋग्वेद भी कह रहा है कि राष्ट्र जो है या समाज है, दोनों ही बातें हैं वहां पे, राष्ट्र और समाज दोनों शब्द आ रहे हैं, कि ऐसा ना हो कि राष्ट्र में आप कानून कुछ बनाते रहे और समाज किसी और दिशा में काम करता रहे। तो राष्ट्र और समाज निरपवाद रूप से
सभी प्राणियों को समान रूप से वैसे ही धारण करते हैं जैसे सभी प्राणियों को धरती बिना भेदभाव ऊंच नीच के धारण करती है। तो ये राष्ट्र के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, समाज के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि ह्यूमन राइट्स को इस तरह से करें। और फिर उसके बाद फर्दर उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आप लोग देखिए कि सभी के लिए सुख चाहते हैं, ये राष्ट्रों का और समाज का काम है कि सभी के लिए सुख, सभी के लिए स्वास्थ्य और सभी के लिए समान मंत्र, समान समिति, समान मन चाहते हैं। और इस दृष्टि से सभी मनुष्य जो भय और बुभुक्षा, प्राइमोर्डियल हंगर और प्राइमोर्डियल फियर, इन भावों से मुक्त होते हुए सेंस ऑफ जो जिज्ञासा जिसे कहते हैं, सेंस ऑफ इंक्वायरी और एस्थेटिक लिविंग, इसके स्तर पर अपनी पुरुषार्थ सिद्धि के लिए स्वतंत्र हैं। यानी कि प्रत्येक राष्ट्र या समाज वो हर व्यक्ति को प्राइमोर्डियल हंगर और प्राइमोर्डियल फियर से मुक्त करके सेंस ऑफ इंक्वायरी के स्तर पर लाएगा और उसे एस्थेटिक लिविंग, सौंदर्य के आधार पर अपना पुरुषार्थ सिद्ध करने में स्वतंत्रता के लिए उसे अधिकृत करेगा। ये समाज का दायित्व तो है, मनुष्य का दायित्व, समाज या राष्ट्र का दायित्व, तो ये यहाँ पर सारे के सारे आ जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर हमने ये कहा है कि उन्हें सभी राष्ट्र इस तथ्य के लिए निरपवाद रूप से अभय प्रदान करें ताकि भविष्य में मनुष्यता उस स्तर को प्राप्त कर सके जिसकी कल्पना हमारे धर्मशास्त्रों ने इस रूप में की है, एक ऐसी स्वतः स्फूर्त व्यवस्था जिसमें सभी जन स्वतंत्र होकर निरपराध और निर्भय जीवन यापन, अखंड व्यक्तित्व सहित कर सके। ये है भारतीय संस्कृति के, मानवाधिकार की संस्कृति। और उसके लिए हम मानवाधिकारों के द्वारा जिस समाज की परिकल्पना करते हैं, मनुष्यता की कल्पना करते हैं, वो क्या है? नैव राज्यम न राजासीन दंड्यो न च दांडिका, धर्मेण प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। तो अपनी बात को मैं यहाँ रोकना चाहूंगा कि हम उस संस्कृति को, हम मनुष्यों का मानवाधिकार की द्वारा उस तरह का रूपांतरण करें जहां पर न राज्य हो, न राजा हो, न दंड व्यवस्था हो, न ही दंड देने वाला हो। मनुष्य क्या करें, पुमान पुमानसम परिपातु विश्वतः, कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के अधिकारों की रक्षा करे। तो इन सब बातों को आप के सामने मैंने बहुत संक्षेप में और बहुत शीघ्रता में आप लोगों के सामने रखा है कि ये भारतीय संस्कृति का एक मॉडल है मानवाधिकार का, और इसमें 30 आर्टिकल्स और प्लस जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे के सारे आ जाते हैं। और यदि कोई इसमें से आपको लगता है कि नहीं आता तो वो आप मुझे ज़रूर उसके विषय में निर्देशित करें और उसके ऊपर मैं विचार करूं कि वो इसमें कैसे समाहित नहीं होता। तो ये मैंने बहुत संक्षेप में आप लोगों के साथ ये बातचीत रखी है ताकि आप लोगों को चर्चा का एक मैं मूल अधिकार आप लोगों के साथ साझा कर सकूं कि हम संस्कृत को जिस दृष्टि से देखते हैं, समझते हैं, क्योंकि तीन चार आक्षेप ही लगाते हैं संस्कृत पे हर सोशल साइंटिस्ट, वो ये है जाति व्यवस्था, स्त्री विरोधी और पिछड़ा हुआ और कर्मकांड और पाखंड, ये तीन या चार आरोप होते हैं। लेकिन जब मैं इस तरह का मॉडल देखता हूँ, इस तरह की बातें देखता हूँ, तो मेरे लिए बड़ी आश्चर्य की बात होती है कि हमारे जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो कब पढ़ेंगे, कब वो संवेदनशील होंगे, कब वो अपनी संस्कृति को टटोलेंगे और उसके आधार पर जो है वो अपनी सोशल साइंसेस को विकसित करेंगे, कब तक वो वेस्ट का जूठा उठाकर खाते रहेंगे और फिर उस दृष्टि से जो है वो हम भारतीयों की ही निंदा करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के मैंने आप लोगों के सामने ये प्रपोजल रखा है, आप लोगों की चर्चा के लिए ये ओपन मैं करता हूँ इस सारी चर्चा को। लेकिन ये कोई बात नहीं है कि आप केवल इसी के ऊपर टिके रहेंगे, आपकी जो अपनी दृष्टि है, अपना जो ज्ञान है, उस दृष्टि से आप भारतीय संदर्भों के बारे में, मानवाधिकारों के बारे में बात कर सकते हैं, या कोई और पक्ष भी आप हमारे सामने लाना चाहते हैं तो उसका हम स्वागत करते हैं। तो इसी के साथ जो भी आप में से पहले बात रखना चाहे संक्षेप में, उस वो रखने के लिए उसका हार्दिक स्वागत है। अपना परिचय देते हुए आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए
और इसको अपनी बात को रख लीजिए। नमस्कार आशुतोष जी, मैं डॉक्टर सुषमा मेहता। जी जी, जी मैं नमस्कार। सबसे पहले मैं ही कहना चाहती हूँ, संस्कृत से गीता आती है, आपने जैसे अभी संस्कृत की बात की, और गीता में भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि मानव का अधिकार क्या है। जी जी, वो जी। कहते हैं कर्मण्येवाधिकारः ते, कि कर्म में ही अधिकार है। मनुष्य हो तो सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, और कर्म का अर्थ है वहां पर कर्तव्य। जी जी, क्या करना चाहिए, और हर मनुष्य को अपने जीवन में निर्धारण होता है कि उसे करना क्या है। सही और गलत हम सब जानते हैं, हम अधिकारों की बात करते हैं, जबकि कृष्ण ने कहा था कर्तव्य करो, और कर्तव्य करने से मींस अगर आप अपनी ड्यूटी करते हैं, अपना काम करते हैं, तो अधिकार तो स्वतः आते चले जाते हैं। जी। तो गीता में बहुत सुंदर कृष्ण ने कहा है कि कर्मणि एव अधिकारः ते, हे मनुष्य तेरा सिर्फ कर्म में अधिकार है, और ये मानव का अधिकार है। तो जितना भी हमारे शास्त्र लिखे गए हैं उसमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, मैं भी उस विस्तार में नहीं जा रही हूँ, लेकिन मेरे विचार में सभी को मनुष्य होने का मात्र है कर्म करना, कर्तव्य करना, जो कभी किसी के लिए परिवर्तित नहीं होता। जी जी, धन्यवाद मैम, बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया है, और मुझे लगता है कि इस बात से मुझे बहुत समर्थन और संबल मिला है, और निश्चित रूप से ये इसको और मजबूत करेगा, इस पौधे को, अगर ये ह्यूमन राइट्स का भारतीय पौधा अगर बन जाए तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। और कोई अपनी बात जो टिप्पणी करना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आपके अधिकारों की रक्षा हम करेंगे तो आप अपनी बात रख सकते हैं। ये मेरा नाम अविनाश कुमार श्रीवास्तव है, मैं नालंदा में एक विद्यार्थी हूँ दर्शन शास्त्र का। मुख्य रूप से बौद्ध दर्शन मैंने अध्ययन किया है थोड़ा बहुत, और उस दृष्टि से मैं देखता हूँ तो मानवाधिकार की परिकल्पना आज के 2600 साल पूर्व बुद्ध ने भी किया था, और इसकी प्रतिध्वनि जब हम उनके अनुच्छेदों को देखते हैं, मानवाधिकार के योनि के अनुच्छेदों को, तो वहां पर भी मुझे दृष्टिगत होती है। मानवाधिकार का जन्म दो तीन बातों से होती है। पहली बात, को सबों को समान अधिकार होना चाहिए, हर प्रकार के व्यक्ति की छूट होनी चाहिए। और ये अनाधिकार की जो बात तब उठती है जब उसके अधिकारों का हनन किया जाता है किसी भी कारण से, चाहे वो धार्मिक कारण हो, शक्ति का कारण हो, या अन्य कारणों से। और जब ये सारी चीजें हनित होती है तो स्वाभाविक रूप से आशुतोष जी ने कहा कि पाश्चात्य देशों में एक क्रांति का सृजन हुआ जो रक्त रंजित क्रांति थी, लेकिन भारतवर्ष में भी ऐसी क्रांतियां आई हैं। ये दूसरी बात है कि उसका समावेश रक्त रंजित क्रांति से नहीं हो पाई, और बौद्ध धर्म दर्शन की जो क्रांति है एक मानवाधिकार के संबंध में एक अत्यंत ही प्रांजल क्रांति है, जिसने स्नेह स्नेह जो हमारे अंदर भेदभाव के भाव विकसित हो चुके थे उसके प्रहार करने की बात कही गई, और उसका उन्होंने अनुपालन भी किया है। सबसे पहली बात कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, और हमारे समय जो हिंसाएं होती थी तो बुद्ध ने स्पष्ट कहा है पाणातिपात वीरमणि, वो केवल मनुष्यों के लिए नहीं, मनुष्य को अहिंसक होना चाहिए, किसी भी प्रकार के रक्त पिपासा से स्वयं को मुक्त करना चाहिए। और उसकी विलक्षणता यह है कि यह बात लोगों के मस्तिष्क में स्वतः जागरण हो, इसलिए वो दंड भगो में कहते हैं सब्बे तसंति दंडस्स सब्बे घायन्ति मच्छुनो सब्बे भायन्ति मच्छुनो अत्तानं उपमंकत्वा न हने य न घाते, सभी दंड से भय खाते हैं, सभी मरने से डरते हैं। अगर ऐसी ही भाव अगर हर व्यक्ति अपने आप में प्रज्वलित करे तो दूसरे की हिंसा न हो और दूसरे की हिंसा न करे। और यह स्वतः स्फूर्त परिकल्पना है कि हर व्यक्ति, चूंकि इम्पीरिकली ये सारी बातें सत्य है, तो हम हिंसा से स्वयं को विरत करते हैं। दूसरी बात की तत्कालीन और अभी भी भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के कारण
श्रेष्ठता और निकृष्टता की बात जो कही जा रही थी, इसकी घोर निंदा सबों ने की है। अभी अंगेरस जी ने भी बताया है, स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि इसकी चर्चा हर जगह दृष्टिगत होती है, और बुद्ध ने तो स्पष्ट कहा है कि न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कम्मुना वसलो होती, कम्मुना होती ब्राह्मणों। न तो कोई व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है और न कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण होता है, वह अपने आचरण के अनुसार ही वर्णों को प्राप्त करता है और उसके आचरण ही उसके वर्ण निर्धारित करते रहते हैं। यह मनुस्मृति में भी कहा गया है, वेदों में भी पुरुष सूक्त में ही दृष्टिगत होता है, और बुद्ध ने भी उसका अनुपालन करते ही हुए उन सारी चीजों को कहा। तीसरी बात, जो दास प्रथा हमारे समाज में थी, और ये अरबियन कंट्री में तो स्त्रियों का की खरीद बिक्री भी हुआ करती थी, वेश्यावृत्ति होती थी, उन सबों का निराकरण अगर एक क्रांति के रूप में अगर होता है तो बौद्ध धर्म दर्शन में देखने को मिलता है। अम्बपाली नामक एक स्त्री थी जो वेश्या थी, उसको नगर वधु की संज्ञा दी गई थी और वह अभिशप्त थी उस कार्य को करने के लिए। बुद्ध ने उसे अपने धम्म में प्रवृत्त किया, भिक्षुणी संघ में प्रवृत्त किया, और ऐसे अनेक लोगों की बात देखने को मिलती है जहाँ पर कि ये दास और इस प्रकार के लोगों को अधिकार मिले हैं। ये बंधुआ मजदूर और नारी बच्चों का जो शोषण होता रहता है, इसका विरोध बुद्ध ने स्वयं किया है, और इसके कारण अनेक वेश्याओं का उद्धार हुआ है, और वे सभी के सभी भिक्षुणी संघ में प्रवर्तित हो जाती हैं, वे सभी के सभी भिक्षुणी बन जाती हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में आता है। बुद्ध ने प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता की बात दीघ निकाय में ही कह दी है, ब्रह्मजाल सूत्र में, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि वहां पर अभिव्यक्ति के अधिकार को भी उन्होंने प्राथमिकता दी है। बुद्ध जा रहे थे नालंदा से राजगीर की ओर, उनके साथ बहुत सारे भिक्षु थे, लेकिन दो व्यक्ति वहां पर थे जो बुद्ध की निंदा कर रहे थे और दूसरा उनकी प्रशंसा कर रहे थे। जब यह बात उन्हें सूचित कर दी गई तो बुद्ध ने स्पष्ट कहा कि हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वह अपने धर्म और अपनी स्वतंत्रता है कि हम कुछ भी कहें, प्रशंसा करें या निंदा करें, उस पर हम ये क्या कहते हैं, कुछ कर नहीं सकते, उसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन विवश भी नहीं कर सकते। और ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से द्योतित है कि ये सारे के सारे बाद में चल करके मानवाधिकार का रूप ग्रहण करते गए। बौद्ध दर्शन में ऐसे अनेक स्थल देखने को मिलते हैं जहाँ पर हम पाते हैं कि मानवाधिकार की चर्चा ऊंच नीच की जो व्यवस्था बनी हुई थी उसके निराकरण की बात, और किसी को दंड देने या किसी का शोषण करने के विरुद्ध में बातें जो सरलता से बुद्ध ने बताने का प्रयास किया है, वह एक निश्चित रूप से एक धार्मिक क्रांति थी जो मनुष्य के मानस को परिवर्तित करके मानवाधिकार के अनुरूप बनाने का प्रयास किया गया। जी बहुत सही पक्ष आपने हमारे साथ साझा किया है डॉक्टर, और निश्चित रूप से जाति का रेफरेंस तो हम लाएंगे ही लाएंगे, क्योंकि उसके बिना तो मुझे लगता है कोई सोशल साइंस चल ही नहीं सकती। लेकिन ये कभी कोई सोशल साइंटिस्ट नहीं बताता है कि महाभारत में ही वो जाति व्यवस्था को चुनौती देते हुए कहता है कि युधिष्ठिर को कहता है जाति रत्र महासर्प दुष्परीक्षेति मे मति, कि ये जाति का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा दुष्परीक्ष है, ये नहीं पता लगता है, क्योंकि सभी लोग जो है वो अपनी अपनी संतानों को अलग अलग जगह उत्पन्न करते रहते हैं। तो ये बड़ा विचित्र सा टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में हम फिर जाति व्यवस्था पे जब कभी लेंगे, दलितों के ऊपर विषय लेंगे, तो निश्चित रूप से तब जाति वर्ण और दलित इनके ऊपर हम चर्चा रखेंगे, लेकिन अभी इस विषय पे नहीं जाते। लेकिन बुद्ध के बारे में जो डॉक्टर साहब ने कहा है, और मैं जरूर चाहूंगा कि लास्ट में जब आप कंक्लूड करें इस चीज को,
कि धर्म और संघ दो मुझे लगता है मानवाधिकार के बहुत बड़े बोधक हैं, और वो स्थापित करते हैं समाज को एक संघ में ला करके, सब इक्वल स्तर पर आ जाते हैं और धर्म के द्वारा वो संचालित होते हैं। तो निश्चित रूप से वो जो पक्ष है उसको थोड़ा सा हम और एक्सप्लोर करेंगे आगे की बातचीत में, मैं लूंगा उसको और निश्चित रूप से आपसे भी उस पर डिपेंड करूंगा। धर्म और संघ ये मानवाधिकार के जो मुझे लगता है दो बहुत बड़े पक्ष हैं, बल्कि दो ऐसे खूंटे हैं जिनके बीच में हम मानवाधिकार का ताना बाना बुन सकते हैं। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसके बाद हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर रेखा अग्रवाल जी, जो स्कूल ऑफ एजुकेशन ऑफ बिहार से हैं, गया यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार गया से हमारे साथ जुड़ी हुई, उनका स्वागत है। और उनके साथ हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्रा और भी कई लोग जुड़े हुए हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। लेकिन अगली कोई टिप्पणी और करना चाहता है तो मैं जरूर उसको आमंत्रित करता हूं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं रेखा अग्रवाल बात कर रही हूँ, और मुझे ये, मैं आपका ये जो विमर्श, विचार विमर्श चल रहा है, मैं सुन रही हूँ और समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि दरअसल ना मैं सामाजिक विज्ञान में पढ़ाई कर पाती हूँ और ना भाषाओं के साथ जुड़ पाती हूँ उस तरह से, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत सारी ऐसी बातें भी वास्तव में इतनी जो कहते हैं ना व्यवहारिक बातें जो हमारे पुरातन साहित्य में विद्यमान है, वो जिस तरह से इतने सरल तरीके से आपने प्रस्तुत किए हैं, मैं उसके लिए आपको सभी की ओर से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। एक 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 साधारण श्रोता के नाते मैं इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ कि इतना अच्छे से आपने इन चीज़ों को बताया, और वो सीधे सीधे वहाँ जुड़ती हैं, और हमें ऐसा लगता है कि मतलब जो हम इन विषयों को सीधे सीधे नहीं पकड़ पाते हैं कि वास्तव में जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसको निश्चित ही हमें इन चीज़ों को के साथ रख करके पूरे विश्व के सामने बहुत ही मजबूत तरीके से रखना चाहिए, मेरा ऐसा कहना है। इसके साथ बहुत सारी बधाई और धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद मैम। डॉक्टर आनंद गुरुये जी महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बड़े सटीक प्रवक्ता हैं और विचारक हैं। सर आनंद जी, डॉक्टर आनंद चलिए, मुझे लगता है। हाँ महेंद्र जी, डॉक्टर महेंद्र जी। जी सर। जी सर। हाँ क्या आप सर मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप हाँ सर, मैं बहुत ही ब्रीफ में बात रखूंगा। आपने ऋग्वेद से और भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से बहुत फाउंडेशनल बातें कही हैं। अब बात यह है कि मानव अधिकारों में और भारतीय संस्कृति में बहुत कुछ है, आपने बहुत अच्छे से उन चीजों को रख रखे हैं। मैं दो तीन ही बातें रखूंगा इसमें। नंबर एक बात तो ये है कि जो मानव अधिकार हैं वो उस टाइप के नहीं है आज की लाइफ में। आज की लाइफ में जो है वो हमारे मॉडर्न पॉलिटिशियन सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को देख करके वो रखे हुए हैं, तो वो नेचुरल और जो डिवाइन राइट्स हैं आदमी के, जैसे उसको प्रदूषण मुक्त रहना है, भ्रष्टाचार मुक्त रहना है समाज में, उसके लिए हमारा पॉलिटिशियन और हमारा लैंड जस्टिस मैनेजमेंट, उसके पास कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, कोई रणनीति नहीं है। नंबर एक बात सर। दूसरी बात यह है कि उनके लिए ग्रोथ ऑफ कॉन्शियसनेस कैसे करें, उसके ऊपर हमें कोई कार्यक्रम रखना चाहिए। तीसरी बात सर वो कि हमें किसी ना किसी सिटी को, गाँव को एक लेबोरेटरी के रूप में विकसित करना चाहिए भारतीय संस्कृति के एंगल से। बस यही मेरे को कुछ कहना था सर। जी जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका सुझाव बड़ा व्यवहारिक है और निश्चित रूप से इसको ध्यान में रखेंगे। और लास्ट कंक्लूजन, जिस वक्त हम कंक्लूड करेंगे इस चर्चा को, तो उसमें इस बात पर दोबारा से विचार करेंगे। धन्यवाद जी। आनंद जी अगर आप, ओके, वो मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं जी। और किसी की कोई टिप्पणी या कोई और अपनी बात रखना चाहता है?
डॉक्टर रविंदर जी, सर आप अपनी सर बात। डॉक्टर साहब, मैं जहां से आपने समाप्त किया था मैं वहां से शुरू कर रहा हूं अपनी बात। जो आपने कहा अपने वक्तव्य में कि सोशल साइंटिस्ट को भारतीय संस्कृति के संदर्भ में सोचना चाहिए, मेरा एक जी सर सीधा सीधा प्रश्न है कि क्या भारतीय सामाजिक वैज्ञानिकों को, प्राध्यापकों को विशेष रूप से, क्या ये अधिकार मिला हुआ है वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कि वो भारतीय संस्कृति के संदर्भ में पढ़ें और सोचें? बड़ा मूलभूत प्रश्न है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का होने के कारण मुझे ये मालूम है कि यदि हमने वो पढ़ा दिया तो बच्चे फेल हो जाएंगे। जी जी पहली बात। दूसरी बात, इसका एक छोटा उदाहरण देता हूं मैं आपको। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ तो छोड़िए, मानवाधिकारों के संदर्भ में यदि आप देखें तो भारतीय संविधान के भाग 3 और 4 दोनों मिलाकर मानवाधिकारों की बात करते हैं। जहां तक मौलिक अधिकारों की बात है तो वहां पर आप देखेंगे कि उसमें जो चित्र बना हुआ है वो है रामचंद्र जी, सीता, माँ सीता और लक्ष्मण जी लंका विजय के बाद अयोध्या में आ रहे हैं, यानी कि राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। और जो भाग 4 है नीति निर्देशक तत्व, वहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का संदेश दे रहे हैं। परंतु ये बात कितने लोगों को मालूम है? जी जी एक मिनट ले रहा हूँ सर। पहले तो मैं इस बारे में आपका, आपके विद्यालय का, प्रिंसिपल साहब का, बालाजी जी का बड़ा धन्यवाद हूँ कि कल ही आपके विद्यालय ने हमारे विद्यालय आर के एस जी कॉलेज कैथर पर मेहरबानी की और उन्होंने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी हमारे विद्यालय को भेजी बच्चों को दिखाने के लिए। और बच्चे बड़े हैरान थे कि ये चित्र भी हैं, हम इतना भी नहीं बता पाते हैं या हमें मालूम ही नहीं है कि भारतीय संविधान में है क्या। पढ़ा तो लंबा चढ़ी बहुत बड़ी बात है। अब मैं आ रहा हूँ सर कुछ 2-3 बातों पर। पहले मैं दूसरे प्रश्न पर आ रहा हूँ कि जिसमें आपने कहा था कि हमें कौन सी गौरवमयी बात वाली जो है आपका प्रश्न, तो यहाँ पर देखिए सर, जो मानवाधिकारों की डिक्लेरेशन है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, उसकी जो प्रेम्बल है उसका शब्द जहां से शुरू हो रहा है, वेयर एज रिकॉग्निशन ऑफ द इनहेरेंट डिग्निटी, यस, शुरू ही मानव की डिग्निटी से है। जी, और उस डिग्निटी के संबंध में मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं सर रामचंद्र जी के। जी कि पहला, रामचंद्र जी ने शबरी के जो बेर, जूठे बेर खाए, वो सीधा सीधा जातीय व्यवस्था को ही तोड़ता है, ना केवल बल्कि उसके साथ साथ अमीर गरीब, राजा प्रजा, यानी कि एक जिसे हम कहते हैं ना कि आज हम कह देते हैं कि अंतिम छोर का व्यक्ति, तो वो जो शबरी है वो अंतिम छोर की महिला है, वो महिला भी है, वो अंतिम छोर की भी है। उस समय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे निम्नतम जाति में है। तो अपने एक कार्य से रामचंद्र जी ने इस जातीय व्यवस्था को तोड़ा है, लिंग भेद को तोड़ा है, एक बार डिग्निटी बनाई है वहां पर। जी। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं मैं आपको कि जब रावण मृत्यु पर है तब रामचंद्र जी 2 बातें कहते हैं। पहली बात तो वो ये कह रहे हैं लक्ष्मण को कि आप ये विद्वान व्यक्ति है, इसके साथ इससे आप राज्य कैसे किया जाए उसकी शिक्षा लें। और दूसरा, जब विभीषण ये कहते हैं कि भाई मैं इनका वो नहीं करूंगा अंतिम संस्कार, तो वो इसको आदेश देते हैं, श्लोक तो आप बता पाएंगे, मैं सॉरी नहीं बता पाऊंगा, जहां पर वो ये कहते हैं कि भाई जो दुश्मनी थी वो इनकी जीतते हुए थी, अब नहीं है। और आज यदि आप देखें इससे बड़ी डिग्निटी क्या है कि जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया है उसका भी जो संस्कार है वो डिग्निटी पूर्ण होना चाहिए, जी, और जी। जीवित व्यक्ति का तो डिग्निटी होनी ही चाहिए। तो जहां प्रारंभ हुआ है मानवाधिकारों का हमारे यहाँ 1948 में, उसके ये 2 बड़े ही श्रेष्ठ उदाहरण है, मैं समझता हूँ। हाँ
डॉक्टर वो आपने कहा हाँ, अगर वो श्लोक ये है, हाँ जी, मरणांतानि हि वैराणि निवृत्तम न प्रयोजनम, कि मरने तक ही, रावण के मरने तक ही हमारा वैर था, अब हमारा वो प्रयोजन पूरा हो गया। ये विभीषण को वो कहते हैं अरे दिलाए, क्रियता मत्स्य संस्कार, अब इसका तुम यथोचित संस्कार करो, जैसा ये तुम्हारा बंधु है वैसा ही हमारा बंधु है। तो ये एक डिग्निटी को मेंटेन करने का जो एक स्तर हमें वाल्मीकि रामायण से मिलता है, तो निश्चित रूप से वही तो मैं सर कह रहा हूँ कि दुर्भाग्य है कि सोशल साइंटिस्ट ने अपनी दृष्टि से, भारतीय दृष्टि से कभी भारत को देखा ही नहीं। जो उन्होंने अपनी कंडीशनिंग कर ली, जो क्योंकि आप पहले जो प्रश्न उठा रहे थे, मैं उसी की व्याख्या कर रहा हूँ, उसी को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सोशल साइंटिस्ट ने कभी इतने गहरे वो कंडीशन्ड हो गए कि उन्होंने अपनी शब्दावली में, अपनी भाषा में कभी भारत के बारे में विचार ही नहीं किया। जो उनको लगा वेस्ट की तरफ एक अंधेपन में, वो उन्होंने लाके हम पर थोप दिया, और उससे कंफ्यूजन हुआ कि हम सांस्कृतिक दृष्टि से किसी और तरीके से जीना चाहते थे, और हमें जीने के लिए बाध्य कर दिया किसी और तरीके से। और वो बात बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई सोचने का अधिकार नहीं देता, क्योंकि कंडीशनिंग इतनी जबरदस्त है कि ये बात अगर मैं किसी से बात करता हूँ, किसी सोशल साइंटिस्ट से, तो वो सुनने को, स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। तो ये तो भला हो कोरोना का कि जिसने हमें ऑनलाइन मौका दे दिया कि अपनी बातें रखने का लेकिन आप अपनी बात पूरी करें। धन्यवाद। अच्छा, एक बात, जो आपने पहला जो प्रश्न है जी जिसमें आपने कहा है कि भी हमारा इसका समानांतर या शब्द जी कौन सा जी हो सकता है मानवाधिकार का, आप जी सर यदि मैं गलत हूं तो करेक्ट कर दीजिएगा प्लीज मेरे को। मैंने जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, हालांकि मैं अपने आप को अभी भी नर्सरी क्लास का ही विद्यार्थी मानता हूँ भगवद गीता के अध्ययन में, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा व्यापक चिंतन नहीं हो पाया है, लेकिन उसमें जो मैंने समझा है उसमें जो तृतीय अध्याय का 20वां और 25वां श्लोक आप देखें, जिसमें एक शब्द कॉमन है, लोक संग्रह। ब्यूटीफुल, लोक बिल्कुल संग्रह शब्द अपने आप में पूरी बात कहता है, क्योंकि लोक संग्रह तभी हो सकता है जब हम सभी व्यक्तियों के मानवाधिक अधिकारों को, न्याय को, इक्वलिटी को, जस्टिस को श्योर नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता। तो बिल्कुल मैं सही ये कहा। समझता हूँ कि मानवाधिकार का यदि कोई भारतीय संस्कृति में शब्द हो सकता है जो उससे भी व्यापक है, जी जी इनफैक्ट वो लोक संग्रह है, बिल्कुल जहां बिल्कुल पर राजा के भी हैं, जिसमें में वहां जहां उन्होंने उदाहरण जनकादि ज्ञानी जन का दिया है कि जो आसक्ति रहित तो होकर कार्य कर रहे हैं, वहां वो आम व्यक्ति को भी कह रहे हैं कि तू लोक संग्रह को देखते हुए कर्म कर, और जी यही बात उन्होंने 25वें श्लोक में भी कही है। तो ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये दो जो बातें हैं इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ और एक सर मैं धन्यवाद। पांचवें पर आना चाहता हूँ, जी भारतीय की बुद्धिवादिता का बिल्कुल जी लेटेस्ट उदाहरण दे रहा हूँ सर मैं आपको। जी अभी हमारे एक मित्र डॉक्टर महेंद्र जी ने एक शब्द प्रयोग किया था, प्रदूषण मुक्त। क्या प्रदूषण सभी मानवाधिकारों को उल्लंघन नहीं करता? निश्चित जी रूप से करता है। और यहां पर आप देखें, हमें पोगापंथी जो मर्जी कहें, अब हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उन्होंने प्रदूषण मुक्त के संदर्भ में जो ग्लासगो में सम्मेलन हुआ था उसमें उन्होंने एक बात कही कि वन वर्ल्ड वन सोलर सिस्टम की बात कही है, जी एक सूर्य है। तो हमारे यहाँ तो सर सूर्य को एनर्जी का स्रोत माना गया। अब जी इस बुद्धि मतलब आप देखिए, आज ये मान रहे हैं कि सस्टेनेबल एनर्जी लेनी है आपने, यदि आपने जो है प्रदूषण मुक्त एनर्जी लेनी है तो उसके लिए हमें सोलर पावर की ओर जाना पड़ेगा, और ये हमारे ऋषि मुनि संस्कृति में तो शुरू से रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज हो सकता है कि अभी इस समय ना मान रहे हो, लेकिन धीरे धीरे हम भारतीय जो प्राचीन ज्ञान है उसकी जी साइंटिफिक की ओर भी जाएंगे। और इसमें आज यदि आप देखें सर, टाइम्स ऑफ इंडिया में स्पीकिंग ट्री में भी छपा है, उसमें फिजिक्स को और भगवद गीता को जोड़ा गया है, आप जी उसको पढ़ के देखें तो
तो बहुत कुछ मिलता है सर। तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे आप ये भी देखिए, एक उदाहरण दे रहा हूँ सर मैं आपको, जब ओपेनहाइमर ने अणुबम का पहला परीक्षण किया था तो उन्होंने सबसे पहले भगवद गीता का ही श्लोक कोट किया था, तपाव में हम वाला, कि मैं ही जीवन मैं ही मृत्यु हूं, क्योंकि वो जो निकला तो कहीं ना कहीं उन्होंने पढ़ा हुआ था सर, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है जी। लेकिन अब मैं आ रहा हूं सर चौथी बात पर, चौथा प्रश्न जो आपका, वर्तमान शिक्षा से किस तरह से मानवीय व्यक्तित्व की हम अपेक्षा करते हैं। मैं, हो सकता है कि सर निराशावादी कहेंगे आप जी जी, फिलहाल मेरे को लगता है कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, जो कि तीसरे में भी है, वो कहीं नहीं है। मानवाधिकार को हमने बहुत सीमित कर दिया, सिर्फ एमए के स्तर पर, वो भी इंटरनेशनल रिलेशन वाले पेपर में सर जी, जो जी। हम पढ़ाते हैं ना भारतीय दर्शन या भारतीय राजनीतिक चिंतक, उसमें भी नहीं है। तो जब आप इतना छोटा कर देंगे तो कहाँ से आप लाएंगे जी। मैंने सुना कि इसके लिए हमें बहुत जरूरत है, और जो नई शिक्षा पर आ रही है, पॉलिसी आई है, उसमें अवश्य बात कही गई है, यदि हम उसका अनुसरण करेंगे तो हो सकता है। और अंत में सर कह रहा हूँ एक बात और, वो भी आज के ही अखबार से लेकर कह रहा हूँ, और जिसमें छपा है सर कि रिच और पुअर के बीच में कितना बड़ा गैप आ गया है पिछले 100 सालों में, और किस प्रकार से 10% भारत में यदि आप देखें तो 10% का कब्जा 60% से ऊपर उस पर है, 1% का केवल 22% 1% के पास ही है। और जबकि ये क्या कह रहा है डिक्लेरेशन, इसकी प्रस्तावना क्या कह रही है मानवाधिकार की, वो कह रही है, एक मिनट सर मैं, हाँ जी हाँ जी, ये है फ्रीडम फ्रॉम वांट जी, बिल्कुल बिल्कुल। यदि इतना बड़ा इनइक्वलिटी आ जाएगी जो शोषण पर आधारित है, जो कैपिटलिज्म आया है, और मैं समझ 90 के बाद समाजवाद खत्म हुआ है, और जिस प्रकार से पूंजीवाद आया है लिबरलाइजेशन के नाम पर, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर, उससे प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हमें इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। और ये ध्यान हम तभी दे सकते हैं कि जब शासन व्यवस्था लोक संग्रह की दृष्टि से नीतियां बनाए, केवल एक राष्ट्र नहीं, वसुदेव कुटुम्बकम जो कि भारतीय दर्शन का मूल मंत्र है, क्योंकि विश्व स्तर पर मानवाधिकार तभी स्थापित होंगे जब प्रत्येक देश में मानवाधिकार हो। आपने बिल्कुल सही कहा था कि यदि हम आतंकवादियों को हथियार देते रहेंगे और दूसरी ओर हम मानवाधिकारों की बात करेंगे तो ये दो विरोधी स्थितियां नहीं चल सकती हैं। तो हमें वसुदेव कुटुम्बकम और लोक संग्रह के आधार पर ही मैं समझता हूं कि हम मानवाधिकारों को सुनिश्चित और सुरक्षित बना सकेंगे। धन्यवाद डॉक्टर, और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने लोक संग्रह शब्द में रखी है, कॉन्सेप्ट है, पूरी एक अवधारणा है, और निश्चित रूप से वो बड़ी महत्वपूर्ण है मानवाधिकार के संदर्भ में। तो अभी मैं और कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन डॉक्टर आनंद गुरहिये जी और डॉक्टर जयप्रकाश जी, आनंद जी पहले आप और उसके बाद डॉक्टर जयप्रकाश जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। दो चीजें, मानवाधिकार इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, अपने यहां तो मानव क्या, प्राणी और जाट जूड़ पत्थर सभी को अधिकार दिए गए हैं, जैसे हम लोग ने शिबी की कथा में देखा है। तो वी हैव अ मच ब्रॉडर कॉन्सेप्ट और मच बिगर कॉन्सेप्ट देन द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, दैट्स वन थिंग। इनफैक्ट अवर कॉन्सेप्ट ऑफ यावत भूमंडलम धत्ते सशैल वन काननम तावत तिष्ठति मेदिन्याम संतति पुत्र पौत्र की, विच कंबाइन्स एनवायरमेंटल राइट्स एज वेल एज ह्यूमन राइट्स। So there is a huge subject to be studied, which is not being studied. The second point I want to make is कई बार अधिकार और मान इनकी हम लोग गलत करते हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगा, गोवा के जो मंदिर है वहां पे पूजा होने के बाद पुजारी जी बाहर आ जाते हैं
और वो पूछते हैं यहाँ कोई प्रभु है तो उसे पहला प्रसाद दिया जाएगा, उसके बाद पूछते हैं यहाँ कोई नायक है तो नायक को दूसरा प्रसाद दिया जाएगा, और उसके बाद शेणवी वो प्रसाद के अधिकारी होंगे। तो इसमें ऐसा समझा जाता है कि प्रभु नंबर वन, नायक नंबर टू और शेणवी नंबर थ्री, बट वेयर एज द सिचुएशन इज कंप्लीटली डिफरेंट। प्रभु का मतलब है प्रभु जो अलग जगह से आया है, मंदिर से, मंदिर के आसपास से नहीं, और इसलिए वो अतिथि होता है और उसकी उसका मान या उसको प्रसाद पहले देना जरूरी है। That's a most beautiful thing you have said. ये मेरे मन में था, अतिथि अधिकार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। Please continue. उसके बाद जो नायक आते हैं, नायक इज somebody अराउंड द टेम्पल लुकिंग आफ्टर सिक्योरिटी एंड अदर सर्विसेज ऑफ द टेम्पल। सो प्रभु के बाद होंगे नायक, और शेणवी ये जो है ये तो यजमान है, वो मंदिर में रहते हैं या मंदिर से संबंधित है, तो उनको प्रसाद सबसे बाद में मिलेगा। ये हम लोग घर के आदमी है जी, बट द सेम ये जो प्रथा है आज के तारीख में इस तरह से ली जाती है कि प्रभु सबसे ऊपर उसके बाद नायक और उसके बाद जो शेणवी है या और कोई है। सो दीज आर द मिस इंटरप्रिटेशंस विच आर सो डीपली इनग्रेड नाउडेज बिकॉज द पीपल डू नॉट नो द अदर साइड। सो इट इज अवर ड्यूटी टू शो द अदर साइड और द ओरिजिनल साइड। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने बहुत खूबसूरत बात कही है। जब मैं मानवाधिकारों पे काम कर रहा था तो मेरे तब जो डिजाइन किए थे ह्यूमन राइट्स का जो फॉर्मेट, उसमें अतिथि अधिकार जो था, अब देखिए ना, अतिथि को कभी ये पूछा नहीं जाता कि तुम किस जाति के हो, कहाँ से हो, ये पूछा ही नहीं जाता, और ऐसा पूछने वाला पाप का भागी होता है, ये मनुस्मृति कह रही है। और दूसरी तरफ जो है वो हम जाति व्यवस्था को ले रहे हैं, बड़ी विचित्र सी स्थितियां हैं। धर्मशास्त्र का अर्थ हमने लॉ बुक कर दिया, कितने मूर्खतापूर्ण बातें हैं। और राइट्स का अर्थ अधिकार नहीं है, अधिकार का अर्थ राइट्स नहीं हो सकता, वो अधिकृतता के अर्थ में है, ऑथराइजेशन में है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, बस ये यही बात है कि किसी तरह से हम सेंसिटाइज कर सकें, भारतीयता के प्रति लोगों को संवेदनशील उतना बना सकें, तो मुझे लगता है बहुत बात सफल हो जाएगी। जी डॉक्टर जयप्रकाश जी, डॉक्टर जयप्रकाश मुझे लगता है स्पीच में मैं दो बातें कह देना। जी डॉक्टर, दो तीन बातें अभी उभर कर सामने आई, क्योंकि समय के परिवर्तन के साथ परिभाषाएं बदलती चली जा रही हैं और इसका प्रतिकूल प्रभाव हमारे समाज पर पड़ता है। ये तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात से आनंदी जी ने बड़े सम्यक ढंग से स्थापित की। और दूसरी बात, आपने धम्म की बात की है, माने धर्म की और राज्य की, तो बुद्ध ने बड़ी अच्छी बात कही है। हमारे संविधान में कहा है कि देयर शुड बी इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। अगर बौद्ध धर्म दर्शन को देखेंगे तो वहां बुद्ध ने भी प्रकारांतर से कहा है, देयर इज इक्वलिटी बिफोर द धम्म एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द धम्म। तो यहाँ धम्म का तात्पर्य धर्म नहीं है, बल्कि वह स्वीकार्य धर्म है जो सबों पर समान रूप से लागू होते हैं। दूसरी बात, आनंद जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि यहाँ पर सबों को समान अधिकार प्राप्त है, चाहे वो वनस्पति जगत के हों या चाहे वो मानव जगत के हैं या पशु जगत के हैं। और बौद्ध धर्म में यह स्पष्ट रूप से हम लोग बराबर कहते हैं कि जितने सेंटिएंट बींग्स हैं सबों को समान अधिकार प्राप्त है, और तो और यहाँ पर कि वृक्षों को भी अधिकार प्राप्त है, वनस्पतियों को भी अधिकार प्राप्त है, तो मानवों को अधिकार क्यों प्राप्त नहीं है। तो इसकी परिकल्पना प्रारंभ में ही बौद्ध धर्म दर्शन में दृष्टिगत होती है जी। और तीसरी बात, क्रियात्मक रूप में अगर हम देखने का प्रयास करें कि बुद्ध के आगमन के पूर्व जो हमारे यहाँ नारियों की स्थिति बड़ी निम्न हो जा चुकी थी, तो उस क्रम में अगर हम देखते हैं तो बुद्ध ने तो भिक्षुणी संघ की स्थापना की ही, जिसमें कि जाति वर्ण किसी भी प्रकार की बातों को ध्यान न दिया गया,
लेकिन सबसे बड़ी बात है उपाली एक नई महिला थी, उसने अनेक ग्रंथों की संरचना की। उसी प्रकार अनेक प्रकार की नारियों का जो उद्भव और विकास बौद्ध धर्म दर्शन की भिक्षुणी के कारण हुआ और भिक्षु संघ में उन्हें जो प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, यह भी एक मानवाधिकार का एक बड़ा विलक्षण उदाहरण हमें दृष्टिगत होता है। और अंत में आशुतोष जी ने जो महाभारत के संबंध में कहा था, तो मुझे एक श्लोक अभी तुरंत याद आया है कि महाभारत में एक स्थल पर स्पष्ट कहा गया है, अत्यंजो विप्रजातिश्च एक एव सहोदरा एक योनि प्रसूतिश्च एक शाखे न जाये थे। और वहां पर यह स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति समान है, सबों का समान अधिकार है। और हमने जो वर्ण व्यवस्था की हुई है, वह वर्ण व्यवस्था एक अप्राकृतिक व्यवस्था है। जो वर्ण व्यवस्था तभी सही होगी, जाति व्यवस्था तभी सही होगी, जब उसके अंतर्निहित कर्म के आधार पर उसे अधिकार की प्राप्ति हो। तो ये सारी बातें बौद्ध धर्म दर्शन में कह दी गई है। और तो मैंने कहा ही है कि न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कम्मुना वसलो होती, कम्मुना होती ब्राह्मणों। इस प्रकार विचारों की अभिव्यक्ति, धर्म को अपनाने की अभिव्यक्ति, और सबसे बड़ी बात जो आपने अपने वक्तव्य में कहा था आशुतोष जी ने, कि अभी हथियारों की होड़ लगी हुई है और संपूर्ण विकास महाविनाश की परिकल्पना पर आधारित है। किसी भी वैज्ञानिक के गलती से कोई बटन दब जाने के बाद पूरा का पूरा विश्व महामरण के आगोश में जा सकता है। और तब बुद्ध ने स्पष्ट कहा था कि किसी भी स्थिति में हमें अस्त्रों का व्यापार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह विनाश के उपकरण हैं, हमारे अंतर्द्वंद हो सकते हैं, हमारी शत्रुता हो सकती है, हमारा आपसे भेद हो सकता है, मानसिक भेद हो सकता है, लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं कि हम किसी भी जीवित इंद्रिय की को नष्ट करने का प्रयास करें। और इसलिए इस हथियारों की दौड़ से विरत रहने के लिए उन्होंने स्पष्ट नियम बनाया था, 10 नियम उनके हैं, जिसमें अहिंसा सत्य अस्तेय, उसी प्रकार एक नियम यह भी है कि आप शस्त्रों के व्यापार न करें, जो इस दृष्टि का परिचायक है कि बौद्ध धर्म दर्शन और बुद्ध ने उस प्रकार की अंतर्दृष्टि प्राप्त हो गई थी कि आने वाले भविष्य में जो विभीषिका हमारे समक्ष आ रही है उसके निराकरण का उपाय उस समय सूच रखा था। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद डॉक्टर, ये बड़ी अच्छी सुंदर आपने टिप्पणी की है और बड़ा सुंदर विश्लेषण है। और कोई अपनी बात कहना चाहता हो? जी सर, मैं भी कहना चाहूंगी दो शब्द। जी मैम, डॉक्टर विनय जी, नमस्कार सर। अधिकारों और कर्तव्यों की बात, अधिकारों की बात चल रही थी, तो मैं आज क्लास में भी थोड़ा डिस्कस कर रही थी कि हम अगर प्राचीन संस्कृति को देखें तो हम कर्तव्यों की बात ज्यादा करते हैं, और क्योंकि कर्तव्य अगर हम पालन करते चले जाए। डिस्कनेक्ट हो गई है वो मैडम, जब तक वो री जी, हाँ प्लीज कंटिन्यू, अनम्यूट करें मैडम। मैडम जी सर, जी जी सर, जी सर, तो हमारे जो बीएससी में लगा हुआ है धर्मज्ञ रामा, उसमें कौशल्या, उसमें छोटी सी एक बात बड़ी अच्छी सी लगती है कि कैकेयी कहती है मंथरा को कि यथा वही भरतो मान्ये ततो भूयश्च राघवः कौशल्यातः अतिरिक्तम बहुशुश्रुते मम, कि उसको राजा होने का अधिकार है क्योंकि वो कौशल्या से ज्यादा मेरी सेवा करता है और वो धर्मज्ञ है, गुणवान है। मतलब ऐसा लगता है कि जब हम कर्तव्य पालन करते चले जाएं तो अधिकार में हमें कोई छीन नहीं सकता। आजकल मैं एक नाटक करवा रही हूँ चाणक्य, तो चाणक्य विष्णुगुप्त हैं, जब तक्षशिला से लौटते हैं और वो चंद्रगुप्त की माता के पास जाते हैं कि मुझे चंद्रगुप्त का मैंने उपनयन संस्कार कर दिया है, और उपनयन संस्कार करके एक शिक्षक के रूप में कह देते हैं कि मैं इसे तक्षशिला लेकर जा रहा हूँ, और मूरा कहती है कि नहीं, ये मेरा अधिकार होगा कि मैं इसे भेजती हूँ या नहीं।
लेकिन तब चंद्रगुप्त कहते हैं कि ये शिक्षक का अधिकार है, तू पुत्र की चिंता कर रही है और मैं देश की चिंता करता हूँ। तो वो एक अधिकार के रूप में, एक शिक्षक के अधिकारी के रूप में एक सुयोग्य शिष्य को लेकर के अपने साथ चले जाते हैं। तो ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज का जो समय है वो अधिकारों की बात करता है और कर्तव्य जो शायद चर्चाएं कम हो गई हैं कुछ इसी कारण से ये जो मतलब विकट परिस्थितियां हैं शायद इसी कारण चल रही हैं, हमें इतने प्रश्न उठाने पड़ रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न शायद पहले ना उठे हों, कर्तव्य पालन की सीमाएं हो चुकी है इस समय, ऐसा विचार सा था। जी, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात आपने सुंदर पक्ष रखा है और निश्चित रूप से विचार के योग्य है। और किसी की कोई टिप्पणी या कोई और बात अगर कोई रखना चाहता है, डॉक्टर योगश्री नाथ जी नाथ संप्रदाय से हैं, राजस्थान से हैं, आप आदरणीय कुछ कहना चाहेंगी? चलिए, नमस्ते सर। हाँ नमस्कार, मैं आपकी इंतजार ही कर रहा था कि आप अपने पक्ष से हमारे साथ जो नाथ नाथ संप्रदाय के उसमें बताना चाहती हूँ। नाथ संप्रदाय में जो नौनाथों की पूजा होती है जी, उसमें भी उमानाथ के नाम से, उदयनाथ के नाम से पार्वती जी को स्त्री के रूप में पूजा गया है जी। नाथ संप्रदाय में भी शुरू से ही स्त्री तत्व को प्रधानता दी गई, योगिनियां हुई हैं बहुत सी, 84 सिद्धों में साध्वियां हुई हैं जी। तो यहाँ भी हर को सभी को अधिकार दिया गया है, मतलब नाथ समुदाय में हर आज भी मुसलमान भी नाथ समुदाय के स्थानों पर पूजा करते हैं, हिंदू भी करते हैं, शूद्र भी करते, सब हर वो करते हैं। तो किसी का कोई ये नहीं है कि अधिकार है जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब आप, हाँ तो ये अपनी बात कहें। पुराना संप्रदाय है, वहाँ भी हर सभी के अधिकारों को स्थान दिया गया है जी। जी जी सर, हाँ ये बात तो मैं भी समझता हूँ कि ये जितने नाथ योगी संप्रदाय आदि रहे हैं, ये पुनः पुनः जो है वो संस्कार करने की एक प्रक्रिया रही है जी। ये समाज में जो समय समय पे दोष आते हैं, विकृतियां आती हैं, उनका निराकरण करके वो उस समाज को जो है वो शुद्धता की ओर लेकर के चले, उसका रूपांतरण हो और संवेदनशीलता बची रहे। लेकिन लोग इसको विरोध के रूप में देखते हैं, ये विरोध नहीं है, ये संस्कार करने की प्रक्रिया है भारतीय समाज में। ये टिप्पणी बहुत आवश्यक थी और निश्चित रूप से अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा कोई काम कर सकें, नाथ संप्रदाय में जो इस तरह के अधिकारों के पर जो भी सामग्री उपलब्ध हो, तो वो अगर आप हमारे साथ साझा कर सकें तो आपका बहुत मैं आभार व्यक्त करूंगा जी सर जी। तो मुझे लगता है कि और किसी की कोई टिप्पणी है तो, नहीं तो हम इस आज की परिचर्चा को समेटने के लिए से पूर्व एक एक पंक्ति में या दो दो पंक्तियों में अगर आप लोगों की कोई टिप्पणी है, डॉक्टर प्रोफेसर रेखा जी अगर आप कुछ बहुत संक्षेप में टिप्पणी करना चाहें और बाकी लोग भी, तो फिर उसके बाद धन्यवाद करने के लिए मैं मैडम विनय जी को निवेदन करूंगा। आप में से कोई भी बहुत संक्षेप में अगर कोई टिप्पणी करना चाहता है किसी भी प्रकार की आज की इस परिचर्चा के ऊपर या जिस तरह का भी आपका जो दृष्टिकोण बना है, चलिए ठीक है। मुझे लगता है कि आप बहुत बढ़िया आज तो सब अपने ढंग से बौद्ध दर्शन में बौद्ध वहां पे अधिकारों की चर्चा किस प्रकार से है ये सारी बातें हुई। मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में जब हम अधिकार की बात करते हैं
वो कर्तव्य कर ध्यान नहीं, कर्तव्य जब प्राचीन हमारी वैदिक शास्त्रों में अगर देखें तो वैदिक प्रणाली शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की थी, वहां पे संस्कार और गुरुकुल शिक्षा पद्धति यज्ञ आदि की परंपरा, ये सारी चीजें ब्रह्मचर्य है, तप है और सर्वजन कल्याण की जो भावनाएं हैं वो कर्तव्य जब व्यक्ति अपने जीवन में उसको अपनाता है और उस रूप में जब अपने आप को प्रस्तुत करता है, अपने आप को ढाल लेता है, संस्कारवान खुद बनता है या बच्चों को महाविद्यालय में विद्यालय में के स्तर पर जब वो सीखता है तो उसके बाद जो है भगवद गीता के संदर्भ में उन्होंने कहा भी कि कर्मण्येवाधिकार अस्ति, तो जब हम कर्म कर लेते हैं तो अधिकार हम अपने आप अधिकार को सुरक्षित कर लेते हैं कर्तव्य के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में जो शिक्षा व्यवस्था है, जो अपने गुप्ता जी ने भी प्रश्न चिन्ह लगाया था आज के शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, तो मुझे लगता है कि जो विद्यालय स्तर पर जो इस प्रकार संस्कार से युक्त जिसमें संस्कारित किया जाए, संस्कार प्रदान किया जाए, तो कर्तव्य निष्ठ जब विद्याएं लोग ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मानवाधिकार स्वतः सुरक्षित रहेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत जी जी, बिल्कुल सही बात है कि जब तक हम ये प्रयास जो आज की भी परिचर्चा है ये संवेदनशीलता के लिए ही है, एक संस्कार करने की प्रक्रिया है कि एक वैकल्पिक तरीके से हम लोग सोचने के लिए तत्पर तो हों। अगर अध्यापक ही नहीं सोचेगा विचार करेगा तो आगे छात्र से तो क्या ही अपेक्षा करेंगे। तो निश्चित रूप से ये सारी परिचर्चाएं जो हैं इस तरह की, वो ऐसा नहीं है कि सोशल साइंसेस को कोई नीचा दिखाना है या किसी के साथ कोई हमने रेस लगानी है, लेकिन हम अपनी भाषा में सोचें ये मेरा सबसे पहला अधिकार है। मैं अपने संदर्भों में विचार करने के लिए उत्सुक हूँ, ये मेरा पहला मानवाधिकार है। मुझे सोचने का मौका ही कोई नहीं दे रहा क्योंकि मेरे चारों ओर व्यवस्था ऐसी बना दी गई है कि मैं पैसे के बगैर सोच नहीं सकता, नौकरी के बगैर कुछ विचार नहीं कर सकता, मैं इन सब सुविधाओं को जो मुझे प्रदान कर दी गई हैं और उसमें एक बाध्यता बना दी गई है कि आप इस व्यवस्था से बाहर जाकर के नहीं रह सकते, और फिर वो बना करके मुझे ये कहना कि अब तुम इन मानवाधिकारों के बारे में बात करो और अपनी परंपरा की बात छोड़ दो, तो ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय हो जाता है। और मुझे लगता है कि ये चलिए आज का एक प्रयास हमने किया है कि इस मानवाधिकार के जो भारतीय संदर्भ हो सकते हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं, उनको हमने टटोलने की कोशिश की है, प्रयास किया है, और जिसमें हमने ये भी देखा कि लेवल ऑफ एस्पिरेशन क्या है, आकांक्षा का स्तर मानवाधिकारों का क्या है, और उसका निष्पादन के स्तर में जो विरोध अंतर विरोध हमें दिखाई देते हैं उनको किस तरह से हम कल्चर ऑफ ह्यूमन राइट्स के द्वारा दूर कर सकते हैं, उसको साध सकते हैं, ये हमें विचार करना है और इन विषयों को हम दोबारा से जरूर टेकअप करेंगे ताकि सोशल साइंसेस में जिस तरह की कंडीशनिंग के द्वारा सोचा जाता है उसको हम जो है वो उसका एक विकल्प प्रस्तुत करने विकल्प जरूर प्रस्तुत करें। और संस्कृतज्ञों से मेरा ये निवेदन ही रहता है, आग्रह रहता है हमेशा कि अपना विकल्प हम तैयार करें। केवल शास्त्र को शास्त्र के तौर पे पढ़ाने पे लाभ नहीं होगा, शास्त्र का मतलब ही है कि उसका वो अप्लाइड है, एप्लीकेशन है, विचार की एप्लीकेशन जो है वो शास्त्र होता है। तो इसलिए हम लोग प्रयास पूर्वक उन विकल्पों को तैयार करें ताकि आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ी है, उसको हम वो विकल्प प्रदान कर सकें और वो भारतीय संदर्भों में इन सब विषयों के ऊपर और नए नए आती हुई चुनौतियों का वो उन विकल्पों के द्वारा उसका समाधान भी करें और उसके नैरेटिव को बदलें भी। तो ये सारी परिचर्चाएं एक नए नैरेटिव को स्थापित करने के लिए हैं, जो एस्टेब्लिश्ड नैरेटिव और डिस्कोर्स हैं उनको चुनौती भी देना है और अपने हमने स्थापना भी करनी है। तो ये अपेक्षाएं होती हैं परिचर्चा से, और साथ साथ वो तो है ही है कि हमारा ज्ञान, हमारे ज्ञान की वृद्धि हो, हमारा ज्ञान सूक्ष्म हो और ज्ञान के साथ साथ भाषा उतनी संवेदनशील हो, इसीलिए ये परिचर्चाएं की जाती हैं। तो अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर विनय सिंघल जी को कि वो आज की इस परिचर्चा के लिए सभी कॉलेजेस की ओर से सभी लोगों का धन्यवाद करें। डॉक्टर विनय सिंह जी सर, नमस्कार।
और सबसे पहले तो सर आपका धन्यवाद, जो अनेक अनेक विषयों पर पुनः भारत की ओर चलें इस दृष्टि से हमें जगाते रहते हैं, क्योंकि हम शायद कितने ही वर्षों से एक पाश्चात्य रंग रूप में रंगे हुए हैं, ना हम वहां से बाहर होकर के शिक्षा के बारे में सोच पाते हैं, ना हम अधिकारों के बारे में। अनेक अनेक विषय ऐसे हैं जहाँ की हम उसी परिस्थितियों में रंगे हुए हैं कि हम भारतीयता, भारत प्राचीन भारतीय मूल्यों की ओर जागृत होने का भी प्रयास नहीं करते हैं। और आप इस मशाल को हमारे अंदर जगा के रखते हैं, इसको उठाए हुए हैं। सबसे पहले आपका अंत हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आप हमें सबको जोड़ करके रखते हैं और हमारे लिए छोटे छोटे से जो हमें प्रोत्साहन दे करके हमें अपने साथ जोड़ते हैं। अंत हृदय से पुनः पुनः आपका धन्यवाद। और इसके अंतर्गत हम अनेक कॉलेज जो हमारे जुड़े, डॉक्टर सी के झा जी एमपीएन कॉलेज से, उनका हृदय से धन्यवाद। डॉक्टर लवलीन जी यमुनानगर से जो जुड़ी हैं, और आरकेएसटी कॉलेज का भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जो हमें एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं कि हम इसके लिए तैयार हो जाएं। और हमारे जो वक्तव्य करने के लिए, हमारे बुद्धियों को जागृत करने के लिए डॉक्टर अविनाश जी नालंदा यूनिवर्सिटी से जो आए थे, और डॉक्टर आर के गुप्ता जी का, डॉक्टर आनंद जी का, डॉक्टर जयप्रकाश जी, डॉक्टर लवलीन, डॉक्टर रेखा अग्रवाल जी, इन सभी बुद्धिजनों का, इन सभी विद्वानों का मैं अंत हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपने अपने सारगर्भित वक्तव्य देकर के हमें, हमारी बुद्धियों को जागृत किया तथा इस ज्ञान यज्ञ में अपनी अपनी आहुति प्रदान की। इसके साथ ही जो हमारे अनेक छात्र छात्राएं और जो और अन्य शोधार्थी हमारे साथ जुड़े, हमारे कॉलेज से एक प्रोफेसर डॉक्टर दीपक शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और बहुत से नाम ऐसे रह गए होंगे जिनका कि मैं नाम नहीं ले पाई हूँ, आप सभी का अंत हृदय से धन्यवाद करते हैं कि इस एक नए विषय पर हमें बहुत सारा ज्ञान आपने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर रेखा अग्रवाल जी और डॉक्टर योगश्री जी, डॉक्टर राजेंद्रा वो भी हमारे साथ जुड़ी रही हैं बीच में जी। तो हमारे साथ अभी जुड़े हैं प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी से, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी से। डॉक्टर रेखा जी, आप कुछ आज के इस विषय पे बहुत संक्षेप में टिप्पणी करना चाहेंगे? सर, मैं सबसे पहले सभी को साधुवाद देना चाहूंगी कि आप लोगों ने जिस तरह से एक, मैं ना असल में मेरा बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि किसी भाषा से सीधा जुड़ नहीं पाई। मैं साइंस की विद्यार्थी रही और अब शिक्षा की विद्यार्थी हूँ, तो एक भाषा के साथ बड़ा मेरे साथ दिक्कत है कि मैं आपके साथ कैसे भाषा का प्रयोग करूँ, कहीं गलत शब्दों का प्रयोग ना कर जाऊँ, ये मेरा संकोच बना हुआ है। तो मुझे लगता है जैसे जो तत्व मीमांसा आपने की है, जिस तरह से और चीजों को उस परिप्रेक्ष्य में रखा और उनके साथ जोड़ करके जिस तरह से उनका व्याख्या करी है और बिल्कुल स्पष्ट करा है कि ये सब चीजें तो पहले से ही हमारी परंपराओं में, हमारे हमारी संस्कृति में विद्यमान है, तो वो चीज बहुत ही मुझे लगता है महत्वपूर्ण है। मुझे, मेरा अपना सोचना ऐसा है। और ये जो इसकी महत्ता है, इसके लिए हमें काम करने की जरूरत है। मैं क्योंकि अभी एक शिक्षा शास्त्र की विद्यार्थी बन चुकी हूँ, तो मैं उसी में थोड़ा अपना काम कर रही हूँ। और मेरे क्लासरूम्स कैसे हों, मेरे बच्चे किस तरह से कक्षाओं में उनके साथ हम कैसे बर्ताव करें, किस तरह से उन बच्चों को आगे बढ़ाएं और किस तरह से हम एक उस समाज की और एक उस राष्ट्र की संरचना कर सकते हैं जिसकी संकल्पना हम लगातार सारे बुद्धिजीवी अपनी अपनी तरह से करते चले आ रहे हैं। तो मैं बस उसी में थोड़ा सा प्रयासरत हूँ। और मेरी जो 43 वर्ष की जो ये एक शिक्षक के रूप में यात्रा रही है, उसने मुझे बहुत चीजें मेरे पास हैं, मेरे मन में है, मेरे दिल में है, और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे उन चीजों को आप लोगों के साथ और एक बुद्धिजीवी वर्ग के साथ जुड़ करके उन चीजों को बाहर कर पाऊं जो मेरे अपने अनुभव है। और आज का जो मंच मुझे मिला है, उसके लिए तो मैं ईश्वर को ही धन्यवाद दूंगी। आप लोगों को बिल्कुल धन्यवाद देने वाली नहीं हूँ, ईश्वर ने मुझे जोड़ा है, बड़ी उसकी अनुकंपा है। और मैं बस आप लोगों को इसलिए साधुवाद देती हूँ कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपने सबके लिए जनरेट किया है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और अगली बार मैं अगर जुड़ी तो निश्चित ही एक प्रियोजन के साथ जुड़ूंगी।
आज तो मैं सिर्फ मात्र ये देखना, मैं समझना चाह रही थी कि आप लोग के काम करने की क्या प्रणाली है, आपने क्या व्यवस्थाएं आप लेकर के चलना है, वो समझने का प्रयास कर रही थी आज मैं। जी जी मैम, कभी आगे मैं कुछ कह पाई तो मैं जरूर कहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। धन्यवाद मैम। और निश्चित रूप से आप वाला विषय भी हमने लेना है, वो भी समय पे लेंगे उन विषयों को। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद, डॉक्टर सी के झा जी का, डॉक्टर विनय सिंघल जी का, डॉक्टर रूपिका भनोट जी, डॉक्टर नीरज, डॉक्टर विशाल और प्रोफेसर मीनाक्षी शर्मा जी का, जिन्होंने इसके सर्टिफिकेट्स और फॉर्म को जनरेट किया है, आप सबका और जितने छात्र जुड़े हुए हैं उन सबका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और निश्चित रूप से अगली बार फिर हम कोई ना कोई नई चर्चा पे बातचीत करेंगे। यदि किसी ने कोई फॉर्म नहीं भरा है, लिंक हमने शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में, प्लीज आप उसको फिलअप कर दीजिए। और सर, उसके बाद एक और निवेदन था सर कि जी, जी, आप अगर इसका यूट्यूब लिंक मुझे अगर हमें मिल जाए तो मैं अपने अपने और साथियों के साथ भी, जिससे वो भी सुने इस परिचर्चा को, अपने अपने जब भी उन्हें वक्त मिलेगा तो सर जी जी मैं हाँ जी थैंक यू मैम। तो धन्यवाद सभी छात्रों का जो जुड़े, जिन्होंने साहस दिखाया इन सब बातों को सुनने का, उन सब का धन्यवाद। तो आप लोग इसके बाद मीटिंग छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रविंदर जी, गुप्ता जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद थैंक यू सर। बहुत अच्छा रहा आज का आशुतोष जी।